बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत पंडरीपानी में ग्राम पंचायत एवं प्रशासन के द्वारा 3 घरों से बेजा कब्जा हटाया गया। इस पर घरवालों का आरोप है कि बिना नोटिस के बेजा कब्जा हटाया गया है और सरपंच के द्वारा एक ही बार नोटिस दिया गया है, जिसकी शिकायत करने तीनों घर के पूरे परिवार SDM कार्यालय के सामने बैठ कर धरना दे रहे हैं और पट्टे की मांग करते हुए SDM को ज्ञापन दिए, जिस पर बिलाईगढ़ SDM ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। पीड़ित पक्षों का कहना यह भी है कि अगल बगल के सभी घर बेजा कब्जा हैं, लेकिन आपसी दुश्मनी के चलते सिर्फ इन्हीं तीनों का ही घर तोड़ा गया है। इस संबंध में मीडिया टीम ने सरपंच प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश की तो घर में सो रहे हैं, बाद में बात करेंगे कहा गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि इससे सरपंच भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। सरपंच है ना, नोटिस दे रही है तो हमन कहें हमन के जगह भी आनी है, सबो तो बनाए हैं तो हम मन बना लेते हैं छोटे से मकान रहे पर हमरो छोटे छोटे बाल बच्चे है ना। तो सरपंच है कथे और दोबारा कछु नहीं बोलीस, उसका मन चुप करके शांति से रही से तो हमन बना दे रहे वहाँ रान कुट के खाद पिया खटिया गोदरी दफना जो भी हमारे सामान है हमारे शादी के थे सब हम लेके वहाँ रहन, हमारे छोटे छोटे बच्चा है तो दूठन तो हम उन्हें जाके रहन और ऐसे डायरेक्ट गिस है आज और जाके जब खाना उना खात रहे ऐसे सब चीज पड़े रही से उसने भी वह अपने घर के ट्रैक्टर ले के एक घर पे ला के तोड़ दी से हमारे घर ला, न तो बोले नहीं है न तो नोटिस दे है अब दोबारा। आप माने कर धरना दे था का चाहा था? हाँ एक हम धरना देबो जब तक हमारे काम पूरा नहीं हुई तब तक हम यहीं पे। का मांग करा था तुम्हें? हम पट्टा मांग करा था। ये पंडरीपानी के कुछ महिला और पुरुष जो हैं मकान को तोड़े जाने के संबंध में ज्ञापन दिया हुआ है, तो उन्होंने तो आवेदन में जो उल्लेख किया है वो शासकीय मत की भूमि है, गवर्नमेंट की शासकीय भूमि है और शासन का ये निर्देश भी है कि जो लोग स्कूल के खेल मैदान या जहाँ पे हम आंगनबाड़ी भवन सांस्कृतिक भवन खेलकूद के मैदान हैं ऐसे जगहों में कोई अतिक्रमण किया होगा तो उसको बेदखल किया जाए, तो उसमें अपन जांच के लिए जवाब के लिए नायब तहसीलदार साहब को लिखा गया है कि जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है कि गलत हुई है, गलत पाए जाने पर उनकी जांच हम करवा लेते हैं, इनके पहले से कोई मकान नहीं होगा तो पृथक से आबादी भूमि में इनकी पट्टा देने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी।